यूसुफ देख तुम्हारी बच्ची आज खामोश बच जा, लगाम दे अपनी जबान को, एक लफ्ज भी आगे नहीं वरना तेरे हलक से तेरी जबान भी कटे ही करेगा, बंदा बना दूंगा। बहुत अंदर तक कंगाल लगा ना यूसुफ देख, हाँ बहुत अंदर तक। आज आज खुदाया खुदा का एक बंदा सिर्फ वाजे असलीम की वजह से लोया सरीखी का बाशिंदा होने पर बहुत फख्र महसूस करता है। बुच्चा तुम्हारा इतना कहने के बाद से बात खत्म नहीं होती, निजाम अगर लोया सरीखी के लिए बड़ी की के हुक्म से बदले हैं तो हमने हमने भी उन निजामों को सराखों पर रखा है। लेकिन नजीबुल्ला दरीन वाजिया का फर्जंद है और इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए निजाम ही बदल दिया जाए। इंसाफ के लिए लोया सरीखी वाजिया सरीखी के हर लफ्ज को पत्थर की लकीर मानता आया है और कत्ल भी करता आया है। काले सही हो या नजीबुल्ला, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और तुम ही बताओ गुंजा वाजिया सरीखी की चुप्पी और इस मजलिस में कोई फैसला कौन पहलूंगा और उसका इस तरह मजलिस से चले जाना क्या इशारा करता है गुंजा? खुद की औलाद है ना तो मादर होने का दर्द तो जरूर उभरा होगा। लेकिन अफसोस फरजंद लोया के किसी और कुंबे से होता तो इंसाफ की गूंज यही सुनाई देती गुंचा। वाजिया की बंदूक से निकली गोली और गुनेगार की खून में लबरेज तड़पती लाश यही यही तेरे सामने पड़ी होती। और फिर जलजले का मरकज भी तो होकर कबीले से होकर उठा है, खुद का खून है ना, तकलीफ तो दे ही ना होगा क्यों गुंचा? खलीली एक कम्बख्त खलीली और तुम सब लोग ये भूल गए हो लेकिन वाजिया सरीन ये कनीज नाचीज ना कभी भूली थी और ना कभी भूलेगी। अरे आज उनके फर्जंद से गुनाह हुआ है कि तुमने हमें इतनी भी तमीज नहीं दी कि उसके फर्जंद पर गुनाह धरने से पहले एक बार ये सोच लिया होता कि वो वाजिया सरीन है। लोया के हबशी मर्दों की भूख की छोटी नहीं है। लेकिन इंसाफ का क्या गुंचा? इंसाफ होकर रहे।